प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर। मैं यहाँ पर अभी हीराकुंड डैम के पास हूँ, यानी संबलपुर जिला जो है उड़ीसा का, वहाँ पर हूँ मैं। यहाँ मैं आया था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि हीराकुंड डैम देखा जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम है। 25.8 किलोमीटर लंबा है ये। इसका जो मेन सेक्शन आप कह सकते हैं वो 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर जो है वो सॉलिड एकदम बना हुआ है कंक्रीट का, और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर लेंगे तो 25.8 किलोमीटर है, लेकिन मेन सेक्शन इसका जो है जो कंक्रीट से बना है वो 4.8 से आगे आप बढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर है। यानी आप कह सकते हैं कि मेन पार्ट इसका 10 किलोमीटर है। और इस डैम को बनाने की जो शुरुआत है, इसकी नींव जो है वो यहाँ के गवर्नर थे विलियम हाथोर्न लुइस, 1941 से 1946 तक उड़ीसा के गवर्नर थे, प्रशासनिक अधिकारी थे ये। उन्होंने इसकी फाउंडेशन जो है रखी थी, नींव रखी थी मार्च 1946 में। उसके बाद अप्रैल 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेन सेक्शन की शुरुआत की थी, यानी उसकी जो है वो उसको बनाना शुरू किया गया था जो कंक्रीट से है मेन पार्ट। उसके बाद इस डैम में काफी पैसा खर्चा हुआ था। 1952 में डैम की देखरेख के लिए कैसे बनाया जा रहा है मजूमदार कमेटी बनाई गई थी, और $1.1 बिलियन जो है इसको बनाने में खर्च हुआ था, क्योंकि मानी सी बात है महानदी पर बना हुआ है और 13,47,000 एकड़ एरिया में सिंचाई की सुविधा इससे मिलती है। तो यहाँ पर अभी वीडियोग्राफी की सुविधा नहीं दी गई है, यहाँ इंसिडेंट बहुत से हो गए थे, तो जिसके वजह से अभी यहाँ पर रोक लगा दी गई है, कोई यहाँ वीडियो नहीं बना सकता। मतलब मेन पार्ट जहाँ मेन सेक्शन है वहां पर वीडियोग्राफी बना है, तो मैं अभी रोपवे की सुविधा दी गई है तो वहीं ऊपर चल रहा हूँ मैं। देखिए आपको इस तरह से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से रोपवे से उतरने के बाद आपको इस तरह का यहाँ नज़ारा दिखेगा। ये देखिए, ये आपको भी मैं डैम दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए लोग आ रहे हैं, ये देखिए मैं आपको डैम का नज़ारा यहाँ से करा रहा हूँ। देखिए तो ये क्लियर व्यू यहाँ से आपको दिखेगा, पहाड़ के ऊपर हूँ मैं। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये आपको दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम जो है वो दिखाई पड़ेगा, हीराकुंड डैम। देखिए ये इस तरह से, देखिए और मैं इसे जूम करता हूँ, देखिए क्लियर हो गया विजन। देखिए इस तरह से है ये, और अभी मैं आपको पीछे जो 55 किलोमीटर लंबा जलाशय है वो भी पानी दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये डैम है, ये देखिए कंक्रीट का बना हुआ है, ये बहुत सॉलिड है। देखिए ये, देखिए बैक करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से ये आपको दिखेगा, देखिए वहाँ से पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से क्योंकि पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर भी देखिए मैं पीछे जो स्टोर किया गया वाटर है वो आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि कहीं और से क्लियर जो है वो आपको दिखाई पड़े। इस तरह से देखिए, अभी मैं आपको ऊपर मीनार की तरफ ले चलूँगा, तो मैं अभी आपको किनारे से यहाँ देखिए जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए पानी जो स्टोर किया गया है, ये जलाशय जो है वो 55 किलोमीटर लंबा है, ये हीराकुंड जलाशय। इस तरह से आप देखेंगे ये तो बहुत बड़े एरिया में जो है वाटर स्टोर किया गया है। तो देखिए मैं मीनार के ऊपर चल के आपको वहाँ से दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से चढ़ करके मीनार के ऊपर जो है वो चलना पड़ता है, फिर वहाँ से देखिए ये इस पर भी 5 रुपये का टिकट लगता है। तो इस तरह से देखें, ये मैं ऊपर मीनार के ऊपर चल रहा हूँ, वहाँ से फिर आपको व्यू जो है देखिए, अभी मैं आपको कराऊंगा, यहाँ देखिए पॉज करता हूँ। देखिए इस तरह से आया जाता है यहाँ लोग, देखिए आप देखेंगे, देखिए मैं आपको देखिए डैम दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये डैम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आप डैम दिखेगा। देखिए ये है दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम, देखिए आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, इसका कंक्रीट का हिस्सा है ये मेन सेक्शन, ये देखिए
और देखिए ये आपको दिखाई पड़ेगा, और देखिए वाटर देखिए ये कितना पानी आपको जलाशय ये 55 किलोमीटर एरिया में है, ये महानदी का पानी है। देखिए देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ से एकदम क्लियर जो है विजन आपको व्यू दिखाई पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से है, ये देखिए देख रहे हैं, ये आपको नजर आएगा। देखिए ये थी कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो आप लोगों को डैम का एरिया जो है दिखाया जाए, तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल का जो एम है वो आपको जगह जगह पर नए नई जगहों पर ले जाना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और फिर जो भी मुझे आगे अगर चैनल बढ़ता ही है, कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो इससे जो हमारे समाज में कमज़ोर लोग हैं या जो भी नीडी लोग हैं उनकी मदद भी की जाएगी आर्थिक, तो ये एक एम है मेरा। ये तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो मुझे अनुमति दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।